बीजीटी न्यूज स्पॉन्सर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से समृद्ध ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रस्तुत करता है सर्वाधिक माइलेज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर ओकी 90। ओकिनावा प्रेस प्रो, ओकिनावा आई प्रेस प्रो, ओकिनावा लाइट, ओकिनावा R30 एंड ओकिनावा रिज। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। बीते एक माह से पत्रकारों के बहिष्कार का सामना कर रहे बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 2 अक्टूबर को सर्किट हाउस में पत्रकारों से भेंट कर अपने उस वक्तव्य के लिए खेद व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने अपने गनमैन को फटकार लगाते समय एक पत्रकार राहुल टेमरे को कैमरा बंद कराने के लिए अशोभनीय व्यवहार किया था। हालांकि खेद व्यक्त करने के बाद स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए विधायक ने यहाँ पर पत्रकारों को उनके नियम कायदे भी याद दिलाए, साथ ही किसी की निजता पर हमले करने और टारगेट बनाने को लेकर भी ताने मारे। विभाग के बड़े अधिकारी, सारा हमला इधर एग्रीकल्चर के लोग थे, ये किस बात को शुरू कर रहे? क्या मैंने पत्रकार को बुलाया था? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्रकारिता अधिनियम की धाराओं को पढ़िए, उपधाराओं को पढ़िए, नियमों को पढ़िए। जब तक मैं न बुलाऊं आप माने का कोई अधिकार नहीं, और जब तक मैं नहीं कहूँ आपको शुरू करने का कोई अधिकार नहीं। नंबर एक, मैंने उनसे कहा कि मैं आज अपने अपने गनमैन को डांटता हूँ तो तुम होते कौन हो शूट करने वाले, और किए हो तो इसको विड्रा करिए। ना तो मैंने उनको कोई अभद्र गाली दी, ना तो इससे ज़्यादा कोई मेरे पर असर बोला है। यदि इतना भी बोला अपमान है तो मुझे लगता है फिर सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं होना। बात को बढ़ा चढ़ के करना हो सकता है आपका स्वभाव, मेरे स्वभाव में लिखा है। मैंने उनको कहा कि डिलीट करिए उसको, क्योंकि उससे नुकसान कुछ नहीं होता, मेरे घर में नौकरी जाती। मैं उसको डांटूंगा, मेरा कुछ नौकरी नहीं जाना है, घर में नौकरी जाना है तय। एक ब्राह्मण के ऊपर डांटने के बाद मेरे कृपा करने के लिए आपको कहा, क्योंकि आप मीडिया में दिखाते और SP यहाँ से रिकमेंड करते, और उनको जिनने पोस्टिंग किया है तत्काल नौकरी से सस्पेंड होते या तो सर्विस होती जाए। आप गहराई पे पहुंचते नहीं, किसी भी बात को बहुत हल्के में लेते हैं, इसके लिए मैं जवाबदार हूँ। और यह कहना गलत है तो मुझे लगता है फिर आपने मेरी सुरक्षा करना चाहिए, मेरे गनमैन नहीं करना। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर बिरसा क्षेत्र के ग्राम चरचेंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समस्या का निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम से पूर्व यहां पर बैगा आदिवासियों के द्वारा सैला नृत्य के माध्यम से विधायक का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे, कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण जन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विधायक ने ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद गांव में विराजित माता रानी के दर्शन भी किए। इसी कड़ी में विधायक संजय उइके जनपद पंचायत बिरसा के देव गांव पहुंचे, जहां पर ग्राम सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को यह पता चलता है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह अपनी शिकायत भी ग्राम सभा में कर सकता है। उन्होंने देव गांव में सभा मंच के लिए भूमि पूजन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ये सबसे पहली मांग मेरे को प्राप्त हुई थी और इस मांग पे मैंने गौर किया और मैंने एक सर्वे के लिए अपनी टीम भेजा था। शायद कुछ लोगों की वहां निजी भूमि पड़ती है और कुछ फर्ज की जमीन पड़ती है, तो इस कारण वो बात मैं अभी पूरी नहीं कर पाया हूँ। जो सड़क की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है। अब आपके बीच में जनपद अध्यक्ष महोदया बैठी है और इसी क्षेत्र से जनपद सदस्य भी है। आप सबने अभी 2 महीने पहले अपना आशीर्वाद उनको दिया है
तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उस सड़क की पहल के लिए मैं देना चाहता हूं, लेकिन वहां कुछ प्राइवेट भूमि है और कुछ वन भूमि के कारण वो दिक्कत आई है जिसके कारण मैं पूरा नहीं कर सका हूं। दो नई मांग आपकी, नहीं कहना नहीं चाहिए पुरानी मांग है, एक तो आप पुरानी बस्ती में जो किसी सड़क है और एक नई मांग आई है गोदाम भवन की। सीसी सड़क की स्वीकृति तो निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। सीसी सड़क की स्वीकृति के लिए रोजगार गारंटी योजना से नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के तत्वावधान में 2 अक्टूबर को बालाघाट विकासखंड के ग्राम कोहका ढिबर में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को गाँव में स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष जितेंद्र नकपुरे, सचिव इंजीनियर ब्रजेश लिल्हारे, उपाध्यक्ष शैलेश नकपुरे, सदस्य राजेश मोहारे, इस नकपुरे, भागीरथ नकपुरे, विशाल पिछोड़े, धनेश्वर मांदरे, एकांत विक्की और मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा इस कार्य में सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी आतिश लिल्लारे की गरिमामय उपस्थिति रही। दो अक्टूबर को गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बालाघाट जिले के कई गांवों में निःशुल्क नवोदय कोचिंग क्लासेस प्रारंभ की गई। छूलो आसमान किसने रोका है और अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ आलोक के साथ मिलकर यह कार्यक्रम जिले भर में चलाया जा रहा है। इसी के तहत गाँव के वरिष्ठ जनों के हस्ते फीता काट कर 21 निःशुल्क कोचिंग क्लासेस प्रारंभ की गई है। इस अभियान से निःशुल्क नवोदय कोचिंग क्लासेस ग्रामीण बच्चों से गुलजार होगी। भविष्य में इन प्रयासों से नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चों को इसका लाभ भी मिलेगा, जिसे लेकर ग्रामीणों के चेहरे पर उत्साह के भाव नजर आए। छूलो आसमान किसने रोका है कि संचालक साक्षी लिल्हारे, IRS लोकेश लिल्हारे और आलोक संघ के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में देश के कई राज्यों के अंतर्गत जिलों के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क नवोदय कोचिंग क्लास का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत हजारों बच्चों को फ्री में नवोदय परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, जिन्हें निःशुल्क किताबें और अन्य शिक्षण सामग्री भी प्रदान की जाएगी। इसी मुहिम के तहत 2 अक्टूबर को नैतरा, बगदरा, कुम्हारी, बोदा, पाथरवाड़ा, लालबर्राजाम, मोहगांव, चिखला, सिहोरा, वारासिवनी, खोड़सिवनी, समनापुर, किरनापुर, लवेरी, लांजी, कारंजा सहित अन्य गांवों में निःशुल्क नवोदय कोचिंग सेंटरों का शुभारंभ किया गया। आगे भी जिले के बहुत से गाँव में जागरूक ग्रामीणों के साथ मिलकर नवोदय कोचिंग प्रारंभ कर देश के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जाएगा, जिसमें खासकर गरीब अभावग्रस्त बच्चों को इस अभियान से मदद मिलेगी। वर्ष 2021 में जो मतलब सफलताएं अर्जित किए हैं नवोदय के जागरूकता अभियान से, इस बार मतलब है तो शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा के लिए सोशल मीडिया का भी है, ऐप का सहारा लेके उनकी शिक्षण सामग्री का, उसके बाद में नवोदय की किताबों को निःशुल्क संगठन के द्वारा, आलोक के द्वारा, छूलो आसमान किसने के द्वारा मतलब है तो उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस विषय में पालक और बालक दोनों ही बहुत ही जागरूकता के साथ में इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं और दूसरों को भी। हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद उन्नबी के मुबारक मौके पर मुस्लिम एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी बालाघाट की जानिब से इजमेताई शादी का इंतज़ाम किया गया। रविवार को अंजुमन शादी हाल में आयोजित इस शादी में सोसाइटी की जानिब से 6 मुस्लिम जोड़ों का निकाह इस्लामी रस्मों रिवाज के साथ कराया गया। साथ ही निकाह कबूल करने वाले तमाम मुस्लिम जोड़ों को सोसाइटी की ओर से उपहार स्वरूप गृहस्थी का सामान भी वितरण किया गया। अंजुमन शादी हाल में आयोजित इस इजमेताई शादी के निकाह में मौजूद लोगों के लिए लंगर ए मोहम्मदी तकसीम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के सरपरस्त अब्दुल हमीद साबरी, अब्दुल कादिर, सोसाइटी के अध्यक्ष सुहेल एजाज, उपाध्यक्ष फयाज खान, सचिव आसिफ शेख सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सोसाइटी के जानी से इस्तेमाई शादी का हर साल की तरह इस साल भी किया गया। निकाह की सुन्नत Thank you.